तो नमस्ते मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से कारवानी में। जाम लेकर आते नए अपडेट और कंपैरिजन ऑटोमेटिव दुनिया के। तो आज हम देखने वाले दोस्तों आइकॉनिक स्कॉर्पियो लाइनअप की जंग। तो एक तरफ है स्कॉर्पियो क्लासिक, आई मीन ऑल डैडी स्कॉर्पियो, और दूसरी तरफ है मॉडर्न स्कॉर्पियो एन। तो देखते हैं दोनों भाई बहनों में कौन तगड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ सोचे समझे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो स्कॉर्पियो क्लासिक अपने आइकॉनिक डिजाइन के साथ आती है दोस्तों, जिसकी हाइट है 1965 mm की, विड्थ इसके अंदर मिलता है 1820 mm का, और इसके ग्राउंड क्लियरनेस की बात करें तो 209 mm इसके अंदर हमको मिल जाता है। जबकि स्कॉर्पियो एन मॉडर्न एवोल्यूशन के साथ आती है, इसकी लेंथ मिलती है 4662 mm की, विड्थ मिलती है 1917 mm की, और व्हील बेस की बात करें गाइस तो इसका व्हील बेस है 2750 mm का, और इसके भी ग्राउंड क्लियरनेस की बात करें तो 187 mm इसके अंदर हमको मिल जाता है। दोनों में दोस्तों अपनी अलग ही बात है, मतलब अपनी अलग अलग खास बात है। तो आपको किसका स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। अब इन दोनों के इंजन की बात करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक में ऑल न्यू 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में दोस्तों पावरफुल 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है। एन वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस करती है दोस्तों एडवांस ट्रांसमिशन ऑप्शन को, और साथ में दोस्तों इनहेंस परफॉर्मेंस भी मिलती है ड्राइविंग डायनेमिक के लिए। लेकिन कुछ लोगों की दोस्तों शिकायत है कि स्कॉर्पियो एन की माइलेज से जो कि 10 km/h तक देती है, क्या ये सच बात है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताना। और गाइस डिटेल की बात करें तो पावर, टॉर्क और माइलेज हमने इस टेबल में बताई है, तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके देख सकते हो। और गाइस जब बात आती है फीचर्स और कंफर्ट की, तो स्कॉर्पियो एन लीड करती है एडवांस एमिनिटीज के साथ, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अंदर हमको मिलता है कीलेस एंट्री, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। और फिर बात आती है स्कॉर्पियो क्लासिक की, तो इसके अंदर हमको मिलता है सिंपलर यट प्रैक्टिकल फीचर सेट। तो आपको कौन सा लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आई मीन मॉडर्न लग्जरी टाइमलेस सिंपलसिटी। हाँ दोस्तों मुझे ज़रूर पता है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे पता है आपको क्लासिक ज़्यादा अच्छी लगती होगी। और आप बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो एन सेफ्टी के लिए तो ज़्यादा चमकती है। इसके अंदर हमको मिलती है एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, मल्टीपल ईयरबैग्स और ISO फिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट्स। और जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, आई मीन ये ऑफर करती है। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा सेफ्टी हमको मिलती है। आखिर में चलिए बात करते हैं प्राइस, तो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है दोस्तों मोर पॉकेट फ्रेंडली रेंज में, आई मीन परफेक्ट फॉर दोज हु वैल्यू ट्रेडिशन और रियलिबिलिटी। लेकिन स्कॉर्पियो एन डिमांड करती है दोस्तों हायर प्राइस और इट्स फ्यूचरिस्टिक अपग्रेड्स और इनहेंस्ड कैपेबिलिटी के साथ। तो आपको कौन सा ऑफर बेस्ट लग रहा है, तो दोस्तों आई नो ओल्ड स्कॉर्पियो की कोई जगह नहीं ले सकता, वो अपनी जगह बेस्ट है। तो मेरी कारवानी फैमिली, तो ये जंग यहीं पर खत्म करते हैं, आई मीन स्कॉर्पियो क्लासिक की और स्कॉर्पियो एन की। तो चाहे आप दोस्तों कुछ भी पसंद करते हो, आई मीन चार्म ऑफ द क्लासिक पसंद करते हो या फिर मॉडर्न लग्जरी एन को पसंद करते हो, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कौन सी ज़्यादा सूट करती है, कौन सी ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों आपको कौन सी चूज़ करेंगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और कारवानी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ड्राइव सेफ, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।